नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के इंदौर के नेशनल हाईवे नंबर 3 से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजर रहे हैं, जो मुंबई और महाराष्ट्र सहित दक्षिण के अन्य राज्यों से आकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों में अपने गांव लौट रहे हैं। इंदौर के राऊ पुलिस द्वारा ऐसे मजदूरों के लिए टेंट लगाकर भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है, जो पैदल ही अपने घर जा रहे हैं तो कोई मजदूर ऑटो रिक्शा में अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। इंदौर की राऊ पुलिस का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, जहां महाराष्ट्र में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। ऐसे में वो लोग जो महीनों से अपने घरों से कई किलोमीटर दूर परिवार का पेट भरने के लिए कमाने गए हुए थे, कोरोना की दूसरी लहर ने लौटने को मजबूर कर दिया। वहीं जो लोग अपने घरों की ओर भूखे प्यासे लौट रहे हैं, उनके लिए देवतुल्य बन राऊ पुलिस सामने आई है। पुलिस ने राऊ चौराहे पर एक टेंट लगाकर बाहर से जो मजदूर भूखे प्यासे आ रहे हैं उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। राऊ थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि खाने पीने की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी द्वारा एक मजदूर का बेटे के पैर में घाव हो गया था, उसे भी पुलिस द्वारा हॉस्पिटल भेजकर उसका इलाज कराया गया। प्रभारी ने बताया कि खाने पीने की व्यवस्था के साथ संस्थाओं से बात करके जूते चप्पल की व्यवस्था भी पलायन करने वालों के लिए की जाएगी। सामने देखिए, क्या नाम है आपका? संगीता है? संगीता। संगीता जी कहाँ से आ रही हैं? मुंबई थाने। वहीं रहते हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, रहने वाले यूपी के हैं जी। वहाँ पे कमाते हाँ, खाते हैं सब। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? बनारस जा रहे हैं। क्यों? मुंबई में काम ही नहीं चल रहा है, क्या खाएंगे? काम क्यों नहीं चल रहा है, लॉकडाउन के कारण? हाँ, लॉकडाउन है, कोई निकल ही नहीं रहे, पैसेंजर निकल ही नहीं रहे हैं, कैसे रिक्शा होगा काम? थाने क्यों गए थे आप, काम धंधे के लिए? हाँ गए थे, गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते। काम धंधा नहीं था, वो अपने वतन घर जा रहे हैं। हाँ, वापस घर जा रहे हैं। कितने लोग हैं आपके, कितने घर के सदस्य हैं आपके साथ? 25 लोग होंगे। तो अब आप चले हैं वहाँ से, मुंबई से, तो रास्ते में आपको कोई मदद मिली? यहाँ पर मिली, अपने यूपी में, मतलब यूपी में। हाँ, इससे पहले नहीं मिली। तो इंदौर में आपको जब मदद मिली, यहाँ रुकने की व्यवस्था, पानी सब मिला, नाश्ता, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि अपने ही यूपी में। आपको मदद देना खाने पीने के लिए? हाँ। चलो, आपका नाम बताइए। संजय चौहान। संजय जी, कहाँ गए थे आप और कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई थाना गए थे। क्या करते हैं वहाँ पर? वेल्डिंग काम करते हैं जी। काम करने गए थे तो मतलब लॉकडाउन से, जो लॉकडाउन बंद खुला था उसके पहले बाद में गए, तो वहाँ पे गए दो एक महीना काम किए। काम करके मतलब अभी देखा मतलब कि अभी लॉकडाउन लग गया। हाँ, और वहाँ पे कोरोना का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, एक दिन में करीब 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार ऐसे मिल रहे हैं। तो मतलब हम लोग और दुकान डलिया जो है बंद पड़ रहे थे, और कमाई धमाई भी नहीं हो रहा था, कंपनी भी नहीं चल रही थी, दुकान भी नहीं चल रहा था, तो मतलब तो वही हम लोग प्लानिंग करके अपने गांव देश जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी बनारस। अब वाराणसी जब आप लौट रहे हैं वापस, तो किस तरीके से आप वहाँ, आपका काम धंधा क्या करेंगे आप? हम वहाँ चलेंगे सर, देखो काम धंधा तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ का माहौल देखेंगे, वहाँ का देखेंगे समस्या कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। और वहाँ क्या है कि अपना खेती बाड़ी है, नहीं कुछ हो रहा है तो नमक चावल रोटी खा सकते हैं। कितने किलोमीटर का सफ़र आपने करा, क्या क्या दिक्कत आई आपको? अभी सर तो कोई मतलब यही इंदौर जो है अधी आउर है हम लोग का, और अभी तो 1450 किलोमीटर पड़ता है हमारा बनारस यूपी। आपको किसी ने रास्ते में मदद करी? कोई मदद नहीं किया सर, यहाँ आके मुझे बहुत मदद मिली। इंदौर में आके मुझे बहुत मदद मिला सर। हाँ, पिछली बार भी जब आप लॉकडाउन में यहाँ से गए थे? हाँ सर, बहुत फैसिलिटी था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मुझे कोई महसूस ही नहीं हुआ था कि मतलब वहाँ से हम लोग तकलीफ़ में आए हैं, वैसा लग रहा था नेक्स्ट टाइम जब आए थे। लेकिन क्या अंतर दिख रहा है आपको पिछले साल और इस साल में? पिछले साल में इस साल में मुझे तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। आप मतलब जैसे पहले सुविधा था वैसे फिलहाल, बट अभी भी सुविधा है अब यहाँ पे, और उससे ज़्यादा भी। और यहाँ महाराष्ट्र में सर तो वहाँ तो मुसीबत में फ़ायदा उठाना चाहते लोग, वहाँ के पुलिस, वहाँ का हर एक चीज़ कर्मचारी जितने भी हैं वहाँ सब फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बताओ, हम लोग मुसीबत खुद ही आ रहे हैं मुंबई से, कैसे अपना जीव बचा के। हाँ, तुम आप लोग का फर्ज बनता है कि मतलब मदद करें, हाँ, गरीबों का। तो आप लोग खुद ही गरीबों का खून चूस रहे हो, पैसा ले रहे हो। और यहाँ एमपी में जब आए तो नहीं, एमपी में तो ऐसा मैं पूरा सफ़र करता, और नेक्स्ट टाइम भी सफ़र किया था, पूरा यूपी तक चला गया, अपने घर पे तक चला गया था, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं आया था। खाली जब भी तकलीफ़ आता है तो महाराष्ट्र में आता है, वहाँ ये दिखाओ वो दिखाओ ये है, अगर सब कुछ साफ कंप्लीट है सर ना, तो फिर दूसरा बहाना मार के
मतलब उनको कुछ ना कुछ चाहिए, अगर पहले दे दिए तो बात ख़त्म कर देंगे, नहीं तो देंगे, अगर सब कुछ आपके पास है ना तो आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे। आपका नाम बताइए। संजय चौहान। सर, कोरोना संक्रमण के चलते फिर से महाराष्ट्र से मजदूर का पलायन शुरू हो गया है, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या अभी दो दिन पहले से यहां पर इंदौर में राऊ क्षेत्र में महाराष्ट्र से जो पलायन कर रहे हैं व्यक्ति वो आना शुरू हो गए हैं। उन्हीं की सुविधाओं को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर राऊ गोल चौराहे पर जहाँ से बड़ी संख्या में पिछले बार भी अप्रवासी गुजरे थे उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर टेंट लगाया जाए, उनके स्वल्पाहार और पानी की व्यवस्था की जाए। उसी को देखते हुए यहाँ पर एक टेंट लगवाया गया है और जो भी अप्रवासी आ रहे हैं उनके लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठने के लिए उनके दरी बिछा दी गई है, पानी की व्यवस्था की गई है और स्वल्पाहार और फलों की व्यवस्था की गई है। सर, अगर आकस्मिक इलाज की जरूरत पड़ती है तो क्या इस तरह की व्यवस्था की है उनके इलाज के लिए, उनके पैरों में जूते चप्पल कपड़ों के लिए? बिल्कुल, ऐसा आज ही एक घटना घटी थी। एक बच्चा नासिक से आए थे एक परिवार, उनके बच्चे को पैर में लगी हुई थी और बच्चा रो भी रहा था, तो उसको यहीं पे पास में राव गोल चौराहे पे मिनेश हॉस्पिटल है वहाँ पर उसको भेजकर तत्काल उसका इलाज कराया गया था। अभी जूते चप्पल की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने स्वयंसेवी संस्थाओं से और जो दानशील व्यक्ति हैं उनसे संपर्क किया है, वो व्यवस्था भी की जा रही है।